और देखना कौन सी बेस्ट है। सबसे पहले शाहरुख खान की और फिर जैसे जैसे करता जाऊंगा। कौन कमबख्त बर्दाश्त कर रहे हैं गोपीता, हम तो पीते हैं यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। क्यों इतना पीने के बाद मुझे तुम्हारी याद आती है, क्यों एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा मिलती है, क्यों क्यों मैं पारों की याद को क्यों नहीं बना सकता। उसके बाद अमिताभ बच्चन का जो है, मैं तो नारायण शंकर अगर मैं तुम्हें चाहूं तो कसीरता हूं बिल्कुल, तो देश से बाहर बताऊ कोई कागज कर पूरा मुझे रोक नहीं पाएगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी राजा इन हाथों में वायलन लिए और चेहरे पर मुस्कान नहीं, इस गुरुकुल की इमारत की एक भी ढलाने के काबिल नहीं हो सकता, कभी भी राजा नहीं कभी। मुझे 25 साल हो गए इस परंपरा को निभाते हुए, भारी चौंगल को यहाँ सिविलियन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश करें, पुलिस सिट डाउन। उसके बाद तारक जी, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबर नाम से जो दिलों के भेद को जानता है। देखिए आपको सिद्धिकानू आपको तारक जी का सलाम कबूल हो, आने वाले मोहफ़िज़ और मोहतरम साबी को खुश आमदी। मलिनाथ जी ने क्या खूब कहा है, गम की बारिश ने तेरे नक्श को धोया नहीं, तुमने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा कमाल आंखों में था, मुझे ऐसे लगा जैसे शब को देर तक सोया नहीं। जुर्म आदम ने किया नस्ले आदम को सजा, काटता हूँ मेरे पर बोल जो मैंने बोया नहीं, और जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मनीर हम से पत्थर हो गया लेकिन रोया नहीं। ये आंसू थी कि तुझे गुल करो गुरु करते, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगु करते। अब ये इमरान खान भी हो जाए, अलशिया में एक पाकिस्तानी तारक चौधरी, यहाँ कराची में दस्ती लगाना चाहता था, बड़े जोरों शोरों से शेल्टर होटल में ठहरा और दस से बारह अगवा कर लिया गया। चाइना की एक कंपनी 180 अरब डॉलर मुल्क में लाना चाहती थी, क्या हुआ पार्टी क्यों, कराची में लाइन आउट सिचुएशन ठीक नहीं है। मेरा एक दोस्त सऊदी अरेबिया में गया पैसे कमाने के लिए, 2 साल बाद आता है इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदता है और फिर जाता है वापस के पैसा कमाऊ आगे घर बनाता हूँ, हाथ में नक्शा पकड़ा हूं तो प्लॉट नहीं मिल रहा और देखा तो बिल्डिंग खड़ी हो गई है। फिर जाता है थाने के मेरा रिपोर्ट दर्ज कराऊं कि प्लॉट पे कब्जा हो गया और देखा मुसीबत एफआईआर कटी हुई है। अब मुझे बताओ किसने आ रहा है इस मुल्क में सरमायादारी करने, जब तक हमारे मुल्क में लाइन आउट सिचुएशन ठीक नहीं है। मियां साहब तो सियासत करते हैं, क्या सियासत है, और जब इलेक्शन करीब आए इन्हें याद आ कि स्पोर्ट्स यही है। गब्बर सिंह की सुनी आवाज शोले मूवी, अरे उस सांबा कितना नाम रखे हैं सरकार ने हम पे 50,000 सुना पूरे 50,000, ये क्यों रखे, यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाने, और ये थी हराम जाने गब्बर सिंह का नाम मट्टी में बुला दिए, सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। और फिर उसके पास जाता उसके पास ना पिस्टल पकड़ा होता है, कहता है कितनी गोली इसके अंदर, कितनी गोली इसके अंदर, सजा छे गोली छे और आदमी से बहुत ही नासाफी है। और फिर वो 3 लागे कहता अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है,
अब देखते हैं किसके हिस्से में क्या मिलता है। इस पदोल में तीन जिंदगी तीन मौत बन, पहले पे रखता है पहले पे नहीं चलती, बच गया और दूसरे पे रखता है फिर ये भी बच गया और फिर एंड पे आता है अब तेरा क्या होगा कालिया। इस बार मैंने तुम्हारा नमक खाया अब गोली खा और फिर चलाता है वो भी बच जाता है। अब एक तीनों बच के फिर बाद में हंसना शुरू करता है। उसके बाद वो थ्री पार्टी वो सुना उसका शूट आउट एट लोखंड वाला माया भाई वेवे को बनाए ए थ्री पॉइंट आने का कैसे भी करके भूल के बचा लो को निकालने का। साला तेरे साला तुझको इतना पैसा देगा लाइफ में नहीं कमाएगा। उसके बाद मैं लास्ट अंडरटेकर की लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे कोई आवाज नहीं निकली। बहुत ज्यादा भारी आवाज है उसकी। वेलकम टू रेसलमेनिया, दिस इज द फाइनल मैच बिटवीन बटिस्टा एंड किंग बुकर। This is the whole world challenge. It is not to mention because this is the world heavyweight wrestling in a challenge and what a significant situation and three-pound relations with the other man, not casual major because that man can final. It is the relationship with the whole country. You cannot win. Just say people and go. Thanks.